हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आशा फर्शवान आपका अपने यूट्यूब चैनल बेटी बारी पहाड़ की मैं स्वागत करती हूँ। गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दगड़ियों, सुबह की 9 बजने वाली है और मैं ये आज के ब्लॉग की शुरुआत ये संतरे के पेड़ के नीचे छाया में बैठ के कर रही हूँ। और मेरी मम्मी और सुनीता दीदी घास के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये संतरे का पेड़ है, तो ये यहीं पे हमारे चौक के ही बगल में है। ये चौक है, ये सीढ़ियाँ है ऊपर जाने के लिए, तो मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ अभी। तो दगड़ियों, मेरी मम्मी और सुनीता दीदी घास के लिए जा रहे हैं और दाथली पया रहे हैं, धार निकाल रहे हैं दाथली की, दरांती की। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइज, मेरी माँ और ये सुनीता दीदी घास के लिए जा रही है, दाथली पया रही है। देखो ऐसे घसोड़ते हैं दाथली को, फिर इसकी धार आती है, घास काटने में फटाफट फटाफट हो जाता है। हाँ, ये बहुत किसान है। और मेरी माँ भी जा रही है, ये दोनों घास लेने जा रहे हैं। बाय। तो दगड़ियों, डेली का काम है ये इन लोगों का सबका, तो क्या करने जाना तो पड़ेगा। तो गाइज, आप लोग बने रहे मेरे साथ, मैं अब सिलाई के लिए बैठती हूँ। थोड़ी देर में दीपा मिश्रा जी भी आने वाली हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से। ये देखो दगड़ियों, ये हमारी काकड़ी का झील है। काकड़ी बोले तो ककड़ी, ककड़ी तो नहीं लग रखी, लेकिन ये देखो छेमी लग रखी है। ककड़ियाँ तो हुई नहीं इस बार, खाली ककड़ियों की बेल दिख रही है, झाल दिख रही। तो दगड़ियों, ये है तोर, तोर की दाल होती है इसमें। ये देखो कितना सारा हो रखा है। और इधर हल्दी है, और ये मेरा घर है। ये सारा हल्दी है दगड़ियों, ये हमारा नहीं है, ये मेरी ताई लोगों का है। देखो कितना बड़ा बड़ा हो रखा है, हल्दी के पत्ते देखो कितने बड़े हो रखे हैं। ये बाजरा है, जुनिया भी इसको बोलते हैं। ये बिल्ली पता नहीं क्या देख रही है। तो दगड़ियों, ये लोग जा रहे हैं घास के लिए। ये किरण बारी है, देखो दगड़े इसका सोल्टी देखो, ये देखो ये रॉन्ग नंबर। देखो देखो ऐसे बनाना दगड़े, सोल्टी फट जाए तो नीचे से कट्टा बांधना। देखो देखो ऐसे गोबर भी फेंक रही है और घास के लिए जाएगी वहीं से। देखो देखो देखो। और ये मेरी ताई जी है, घास काटेंगे घास काटेंगे। देखो ये मस्त है, मस्त मौला। दगड़े यह है पुराने जमाने का छाता, ये मेरी ताई ने बना रखा है। घास काटेंगे घास काटेंगे घास काटेंगे। जिसको धूप हो रही हो तो ये अरबी का पत्ता ले जाए और इसका छाता बनाए, देखो कितना सुंदर। तो ये लोग घास के लिए जा रहे हैं दगड़े, रोज का काम है। देखो घास काटेंगे घास, घास का काटू मा जटी, पीली रंगा मा जटी, हल्दी रंगा मा जटी, मा जटी पीली रंगा मा जटी, हल्दी रंगा मा जटी, घास का काटू मा जटी, हल्दी रंगा मा जटी, हरिया घास मा जटी, दो होया। तो दगड़िया, ताई जी गाना गा रही थी, इस गाने का मतलब आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि क्या गाया, किस किस को इसका मतलब आता है कमेंट में बताना। तो ये लोग जा रहे हैं घास के लिए और मैं जाऊंगी सिलाई करने के लिए। आ चुकी है दीपा मिश्रा जी और इन्होंने सिलाई शुरू कर दी, और हम लोग सिलाई करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा इनका ब्लाउज बनता है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। इस बज चुके हैं 11 और हो चुका है दीपा जी का ब्लाउज पूरा, ये देख सकते हो आप, ये पूरा हो गया। बस इस पर थोड़ा तुलपाई करना रह गया है, तो ये घर जाके कर लेंगे। तो दगड़े, ये रहा इनका गोल्डन कलर का ब्लाउज। तो कैसा बना है कमेंट में ज़रूर बताना। अब ये जा रही हैं घर को। तो गाइस, ये जा रही हैं घर को और आप मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय। गाइस, बज चुके हैं शाम के 5
और मैं जा रही हूँ खेत में आलू लेने। आज मैं आप लोगों को पहाड़ी आलू दिखाऊंगी, आप लोग मेरे से बने रहे। दगड़े ये मेरी बुआ जी है, देखो कितनी बुढ़ी हो गई और कितना सारा काम करती है बुआ जी। कितनी मोटी है। और ये बुआ जी की मिर्ची दिखाती हूँ मैं, ये बुआ जी की मिर्ची दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखो दगड़े कितनी सारी मिर्चियाँ लग रखी है, देखो कितनी मेहनत की होगी मेरी बुआ जी ने जो इतनी सारी मिर्चियाँ हो रखी है। ये देखो काखे का, तो दगड़िया ये देख सकते हो आप लोग, ककड़ी भी है, कितनी सारी लग रखी है। ओ ऊपर पेड़ की टुकू में, और ये नींबू है, नींबू भी लग चुके हैं। तो, देखो ए वो कदी साल तो तुम ही मैं 86 86 साल, तो देखो 86 साल में भी इतनी काम कर देनी मैं पू, हम बचन छे 86 साल। देखो दगड़ियो बुआ जी को देखो, 86 साल में इतना सारा काम करती है, अकेले रहती है, उनकी बहू ऊपर रहती है, वो यहाँ अपने नाती नतीड़ों को भी देखती हैं, गाय भैंसों को भी देखती हैं, और ये खेती बाड़ी बगीचा सारा काम करती है। तो देखो देख सकते हैं, आज के हम लोग तो ऐसा कर भी नहीं सकते, इस उम्र तक तो हम जी भी नहीं सकते। तो दगड़ियो देख लिया होगा आपने बुआ जी को, और ये रहा हमारा गांव, उधर बुआ गांव दिख रहा है, ये हमारा है गांव है, पूरा नहीं दिख रहा है यहाँ से हमारा डुंगरी गांव भी, ये हमारे खेत से आधा आधा दिख रहा है। और इस खेत में आई हूँ मैं आलू खोदने, आलू खोद के दिखाती हूँ मैं। देखो दो मक्के के पौधे भी हैं यहाँ पे, ये रीना दीदी का भैंस है। तो दगड़ियों मैं आलू खोदती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को, दिखाती हूँ कितने बड़े बड़े आलू निकलते हैं या छोटे छोटे निकलते हैं, खोद के पता चलेगा। आलू खोद के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। गाइस ये रहे आलू, खोद दिए मैंने आलू, ये रहे, तो ना बड़े ना ज़्यादा छोटे, मिक्स वैरायटी के हो रखे, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं। तो आ जाओ आलू सा खाने, जिसको आलू चाहिए कमेंट में बता देना, मिलते हैं तब। आलू भरती हूँ मैं कट्टे में, बारिश भी आने लग गई है। तो गाइस आ चुकी हूँ मैं घर, आलू को लेके भी आ चुकी हूँ, आलू खोद के। अब मैं आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ, और आप लोग बने रहे कल तक, मतलब कल मिलते हैं आप लोगों से। और आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और तब तक आप लोग मस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और सभी को मेरा नमस्कार।